आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली नई काइगर एसयूवी के बारे में। यह एसयूवी दोस्तों एक कॉम्पैक्ट सेगमेंट की कैटेगरी में रहने वाली है और मारकेट में कंपटीशन ये करेगी किया की सोनेट, मारुति सुजुकी विटारा, ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 और फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ में। रेनॉल्ट की काइगर एसयूवी को दोस्तों निसान की मैग्नेट एसयूवी के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा रहा है और इसमें आपको इंजन स्पेसिफिकेशन भी निसान मैग्नेट वाले ही मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं इसी एसयूवी के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन, एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन और इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में ही बात कर लेते हैं। अभी दोस्तों आप इस गाड़ी की फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो फ्रंट डिजाइन में दोस्तों यहाँ पर आपको स्प्लिट हेडलैम्प दिए गए, जिस तरह की आने वाली टाटा की HPX में भी आपको कुछ इसी तरह के हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले सेक्शन में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है और नीचे वाले सेक्शन में दोस्तों आपको हेडलैम्प दिए गए हैं। LED हेडलैम्प दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं रेनॉल्ट की काइगर में और हॉरिजॉन्टल क्रोम की ग्रिल यहाँ पर आपको दी गई है, उसके बीच में यहाँ पर आपको रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। फ्रंट से दोस्तों इस गाड़ी को काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक दिया गया है। बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल में दोस्तों आपको 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में दोस्तों आपको बेस वेरिएंट से ही 16 इंच के व्हील्स मिल सकते हैं। ब्लैकआउट यहाँ पर आपको बी पिलर और सी पिलर दिया गया है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको ओवरबीम के ऊपर ही मिल जाएगा। रूफ रेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और साइड में यहाँ पर आपको बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो कि इस गाड़ी को एसयूवी लुक देती है। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सी शेप के LED टेल लैंप इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर दोस्तों यहाँ पर आपको दिया जाएगा जो कि इस गाड़ी के लुक को थोड़ा सा एनहेंस करता है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सिल्वर कलर की स्किड प्लेट यहाँ पर आपको बम्पर में देखने को मिलेगी। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको रियर वाइपर एंड डिफोगर भी मिल जाएगा। ये तो कि दोस्तों इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो एक स्पाई शॉट इमेज यहाँ पर सामने आई है जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम इसमें आपको मिलने वाला है और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दोस्तों आपको इस गाड़ी में दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें भी दोस्तों आपको वही इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाले जो कि आपको निसान की मैग्नेट में मिलते हैं। पहला जो इंजन यहाँ पर आपको मिलेगा वो 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसमें कि आपको 72 PS की पावर मिलेगी और 96 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। यह इंजन आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही दिया जाएगा। इस इंजन में दोस्तों आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जिसमें कि आपको 100 PS की पावर देखने को मिलेगी और 160 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। यह इंजन दोस्तों आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी मिल जाएगा। रेनॉल्ट काइगर के स्टार्टिंग वाले वेरिएंट्स में दोस्तों आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन दिया जाएगा 1.0 लीटर का। ऊपर वाले वेरिएंट में दोस्तों आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने लग जाएगा जिस तरह की आपको निसान की मैग्नेट में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं रेनॉल्ट की काइगर में मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जिसमें कि दोस्तों आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो का फीचर मिल जाएगा और कनेक्टेड कार फीचर्स भी आपको इस एसयूवी में देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC इसमें आपको मिलने वाला है। 360 डिग्री रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा और दोस्तों इस गाड़ी के जो अभी लेटेस्ट स्पाई शॉट आए हैं उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी देखने को मिल सकता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों आपको इस गाड़ी में दिया जाएगा। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया जाएगा और रियर आर्मरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प भी देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इसमें मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इस गाड़ी के सबसे टॉप एंड वेरिएंट में दोस्तों आपको 4 एयरबैग का फीचर मिल जाएगा। ABS विद EBD यहाँ पर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर दिया जाएगा। रियर पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर भी दिया जाएगा। ये सभी फीचर दोस्तों आपको इस गाड़ी में दिए जाएंगे। बाकी इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद में कौन कौन से फीचर दिए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको पूरा एक डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गाड़ी के एक्सोरूम प्राइस के बारे में तो 5 लाख रुपए से इस गाड़ी की एक्सोरूम प्राइस शुरू हो सकती है और टॉप एंड वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 10 लाख रुपए तक जा सकती है। अभी तक दोस्तों इस गाड़ी की कोई भी ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है लेकिन जल्द ही इस गाड़ी को 2021 के अर्ली मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों एक पूरी कंप्लीट जानकारी इस गाड़ी के बारे में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों टाटा HPX के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।